पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता मिली है। एक महीने पहले एक नाबालिग लड़की के गायब होने के मामले पर पुलिस ने एक महिला समेत चार आरोपियों को अपहरण, दुष्कर्म और मानव तस्करी के मामले में मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग लड़की को भी उज्जैन से बरामद कर लिया गया। पूछताछ में पीड़िता ने बताया है कि उसने उसकी दीदी और जीजा ने पहली बार 80,000 और दूसरी बार 45,000 रुपए में बेच दिया था। फिलहाल पत्थलगांव पुलिस नाबालिग लड़की को सकुशल वापस ले आई है। नमस्कार। पिछले महीने भारतीय में आपकी रिपोर्ट लिखाई कि उसकी नाबालिग पुत्री को संदेही पुष्पा और उसके पति हीरालाल ने महिला पुछलार कर कहीं पर ले गए हैं, तो आरोपी की पतासाजी में हमें पता चला कि वो लड़की उज्जैन में है। तो उज्जैन में जाने के बाद पता चला कि आरोपी गणों ने बच्ची को किसी को बेच दिया था और ये घटना उन्होंने दो बार की है। तो चारों आरोपियों को वहां से पकड़ के यहां ला के गिरफ्तार किया गया है। पछुआ में छत्तीसगढ़